सुन लो जान लो से अब सुनो सुनो मोहब्बत जमाने में मासूम होती है सब। दोस्तों आप तो पहचान ही गए होंगे इस जानी पहचानी आवाज को। जी हाँ, आज सुबह सवेरे की बैठक में हमारे साथ मौजूद है मशहूर गायक लकी अली। तो आइए मुलाकात करते हैं लकी से और जानते हैं उनके संगीत के लंबे सफर के बारे में। लकी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह सवेरे में। बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि लकी अली क्या है, व्हाट डज इट मीन टू बी लकी अली? जी, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। नथिंग इज जस्ट अ नेम, सिर्फ नाम है बस। और बहुत ही अनकॉमन है। आर यू लकी? इज देन आपके लिए ये नाम लकी है क्या? वेल, आई होप आई एम लकी, बट मेहनत करनी पड़ती है ना। लक पर आपका साथ निभाती है। हाँ, जब आप मेहनत करोगे तो फिर जरूर लक आपका। यस। अच्छा लकी, आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि आपके पिता, आपके फादर एक बहुत मशहूर अभिनेता रहे हैं, तो एक्टिंग आपकी क्या फर्स्ट चॉइस नहीं थी? चॉइस नहीं थी, बट आई एक्टेड फर्स्ट। मैंने पहले फिल्म में मतलब काम किया था, उसके बाद में मैंने मतलब, कौन सी फिल्म थी जब सबसे पहले आपने? मेरी सबसे पहली फिल्म थी छोटे नवाब। अच्छा। उसमें एक इतना छोटा सा तो उसके बाद आपको महसूस हुआ कि आप एक्टिंग फील्ड में आ सकते हैं, आपको एक्टर बनना चाहिए? आपके फादर इज अ वेल नोन कॉमेडियन ऑफ हिंदी। नहीं, ऐसा था, हमारे घर में एक ऐसा अंडरस्टूड था कि भाई जो मतलब बच्चों में से कोई भी एक्टिंग करेगा तो दे थॉट दैट इवन आई वुड एक्ट। अच्छा। बट मैं चाहता था कि मैं आई ऑल्सो एंजॉय सिंगिंग, मुझे गाने का भी बड़ा शौक था। तो आई मीन आई दैट्स हाउ आई। आपने कई फिल्मों में किरदार निभाए हैं छोटे छोटे, तो क्या उस जमाने में बिल्कुल ये इंस्पिरेशन नहीं था कि इसी को आगे परस्यू करें, थोड़ी और कोशिश करें? नहीं, उस वक्त आई वाजंट सीरियस अबाउट एक्टिंग। I became serious only from Tanuja's film and Kante. जी। आपके फादर का कुछ influence कभी रहा हो? आपके फादर के साथ कैसे relations थे? अपनी आम ज़िंदगी में भी वैसे ही comedian थे, fun loving person जैसे वो फिल्मों में दिखते हैं? जी, he is quite a fun loving person, very funny at home, also very serious and a very strict father. मगर उनसे बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत अच्छे अच्छे अखलाक सीखने मिले। दूसरी बात क्या, इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, देयर वर सर्टेन ट्रिक्स दैट ही ऑलवेज टोल्ड मी दैट यू शुड ऑलवेज लिसन टू व्हाट द पर्सन सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो इफ यू लिसन यू विल रिएक्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। सो आई फील आई एम नॉट एन एक्टर, आई बेसिकली आई एम अ रिएक्टर, मैं रिएक्ट करता हूँ बस। ये बताइए लकी कि वो एक मशहूर कॉमेडियन थे, तो क्या ये एक कॉन्शियस चॉइस थी कि मैं इस तरह का कुछ काम नहीं करूँगा, आई वॉन्ट टू मेक एन इमेज ऑफ माई ओन, एक अलग पहचान बनाना चाहूँगा? आपके ज़्यादातर किरदार बहुत इंटेंस और इस तरह से ज़बरदस्त लगते हैं। नो, दैट इंटेंसिटी इज़ नॉट रियल, बिकॉज आई फील इट्स जस्ट अ फसाद, इट्स नॉट रियल, इट्स प्रॉब्ली मी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई एम आई इन a particular place or a particular situation. So if I don't understand, probably it'll look in. मगर आपके अक्सर वीडियो भी जितने भी देखे गए हैं उसमें आपकी एक इंटेंस इमेज पाई गई है, बहुत ही सीरियस इमेज, तो क्या वो आपकी असली जिंदगी? मैं भी था और मेरे शायद डायरेक्टर भी थे, मतलब he's also quite an intense person, but I'm basically quite a fun loving person. I enjoy people and I like to laugh and I like to make people laugh. सबसे अच्छा ये बताइए कि ये सुनो जो आपकी पहली एल्बम थी, how did it work out? For me, very nicely. I in terms of the love and appreciation that I got, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने संगीत में शिक्षा ली कहीं या inborn था? कैसे शुरुआत कैसे हुआ संगीत? ऐसा नहीं, I didn't go to music school, मगर मुझे गाने का शौक था, क्योंकि हमारे मतलब family में मतलब क्योंकि पिक्चरें बनती थीं तो वो association रहा करता था with music and music directors and things. So Suno for me has been very good that way. मेरी आवाज़ सुनो। It was simple. ऐसे में लकी हमारे दर्शक भी आपसे कुछ ज़रूर सुनना चाहेंगे, छोटा सा कुछ उनके लिए गुनगुना दीजिए सुनो से ही। सुनो से ही। जी। जब हम छोटे होते थे सोचा था कि ये ऐसा होगा, ये ज़माना देखो कैसा है,
I'm singing it like that, but इस वक्त मेरी आवाज काफी ठंड है, थोड़ा अफेक्ट हो जाता है। हाँ, दिल्ली। तो आपका ये जो पहला एल्बम है सुनो, इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसकी शूटिंग कहाँ हुई और किस तरह से आपको आइडिया आया कि मैं इस तरह का काम करूँ? जब हमने सुने, मतलब ये एल्बम तैयार किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांटेड टू फाइंड अ कंपनी टू रिलीज इट। तो वी वेंट लुकिंग फॉर अ कंपनी, नॉट एवरीबॉडी वाज हैप्पी। बोलते थे अच्छा म्यूजिक है मगर नहीं चलेगा क्योंकि देखो आजकल क्या चल रहा है जी। तो वैसे टाइप का म्यूजिक आप बनाओ तो शायद यू नो वो तो नहीं हो रहा था मेरे से। तो आई वेंट टू मेनी मेनी कंपनीज एंड फाइनली इट वर्क्ड आउट विद वन कंपनी दैट दे वुड रिलीज माय वर्क। एंड उसके बाद में आई हैड टू गो लुकिंग फॉर अ वीडियो प्रोड्यूसर, समवन वुड मेक द वीडियो विद मी। So I turned to my old friend Mahesh Mathai. I said, "Yaar, tu mere saath, you know, get involved with me in this." And then this became kind of like all of us, me, Mahesh Mathai, and finally the people. But आप industry से इन्हें भी associated ही हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको भी इतनी hardships face करनी पड़ी एक अपने video, अपना album launch करने के लिए? देखिए, there's no shortcut. Very true. You know, if you have to achieve something. You have to work towards it. Hard, yes, and that's very important. ये एक और बात जानना चाहेंगे लकी कि जितना खूबसूरत आपके गीत होते हैं उतना ही ज़बरदस्त उनका वीडियो भी होता है, तो आपका खुद कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इस चीज़ में कि वो तस्वीर कैसी हो उस गाने की, उसमें आप कितना कोऑर्डिनेट करते हैं, कितना मिल के काम करते हैं? तस्वीर बनाने वाले पर है जी, you know, मेरा काम क्या है मैं वो करता हूँ जी। लेकिन खुद जब आप कोई गाना गाते हैं तो एक कुछ विजुअल्स नहीं होते आपके ज़हन में, आपको लगता नहीं है कि देखिए इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, वी आर गोइंग टू इजिप्ट, हम इजिप्ट जा रहे हैं एंड वी डोंट नो व्हाट द स्टोरी बट दिस इज रफली द स्टोरी यू नो। तो वीडियो तो ऐसे ही बनते हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू विल मेक अ स्टोरी बिकॉज यू कांट रियली पुट इन अ स्टोरी, सो यू विल पुट इन इमेजेस व्हिच विल रिमाइंड यू ऑफ अ काइंड ऑफ अ स्टोरी, देन यू मेक अप योर स्टोरी। इमेजेस की बात उठी है तो एक बात मेरे ज़हन में भी आई है कि हमने ये सुना है कि एक वीडियो में आपकी वाइफ भी है। मेरी पहली वीडियो। हाँ जी जी। तो वो कैसे ख्याल आया लाइक? क्योंकि वी डू नॉट हैव मनी टू हायर, दैट्स वेरी ऑनेस्ट यू नो। लकी एक और बात बताइए कि सुनो के बाद फिर सिफर, और आपके वीडियोस में ज़्यादातर आप बाहर ही शूट करना पसंद करते हैं हिंदुस्तान के, तो ये क्या बात है? मैं हिंदुस्तान में घूमना पसंद करता हूँ जी, बट आई ऑल्सो लाइक टू घूमो एंड आउटसाइड यू नो, मुझे बहुत शौक है टू ट्रैवल, और इफ इट मेक्स गुड you know video sense or you know cinematic sense then it's worth it to shoot. मतलब तो वीडियो के साथ साथ travel tourism industry भी आगे चली। Yeah, but you don't look at it that way because you're working on a budget. It's very tight and you know you get only that many days that you have to finish your work also. And but yes, you get to meet lots of people in that short time. It's very intense because सब लोग मतलब everyone wants to get involved and apply themselves. Yeah. Lucky, अब हम फिर अपने दर्शकों के लिए और हम भी आपसे एक और गाना जरूर सुनना चाहेंगे। जरूर मैम, मैं आपको सुनाता हूँ जी। मैं जरा एक घुट पानी पीता हूँ। जरूर। एक बनाना ने दूसरे बनाने से क्या कहा? क्या कहा? I'm अकेला। Will you marry me? ये गाना तो आपका सुना नहीं, ये कौन से एल्बम का? ये असली में बहुत ही पुराना गाना है, ये मेरे चाचा और मिस्टर अमिताभ भाई ने बनाया था बहुत साल पहले जी। हम लोग मस्ती में ये गाना गाते थे बहुत। आप खुद ऐसे गाने गाना पसंद नहीं करते? Well, of course, I mean, I enjoy a good laugh. पता चल रहा है कि you are a fun-loving person. Videos को देख के अक्सर महसूस हो रहा था बहुत intense. बहुत serious है और मुझे serious रहना भी अच्छा है, you know, it gives you, yeah, it gives you this thing on life, yeah. आपके संगीत में आपके म्यूजिक की एक खास पहचान है, एक खास तरीका है, acoustic sounds बहुत है, तो क्या उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और किस तरह से एक खास तरीके का संगीत बना आपका? सी एक्सपेरिमेंट, वी हैव टू एक्सपेरिमेंट बिकॉज देयर इज नो सेट रूल व्हेन यू गो इनटू स्टूडियो कि भाई हम इतने म्यूजिशियंस यूज़ करेंगे या ये यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं हम सोचते हैं। जो उस वक्त सही लगता है, यू नो, इट शुड साउंड राइट, इट शुड फील राइट, यू नो, वी यूज़ दैट। एंड If suppose there's a friend who's passing by and he plays an instrument, आकर भाई
So it's not like planned for him ki aap aakar bajayega, you know. If you were passing by or something, and it's just an honor to the musician or the person in front of you that you invite him to play. अच्छा लकी आपके ये जो वीडियोस हैं आपके जो सॉन्ग हैं लिरिक्स कौन लिखते हैं कि आप उनको सजेस्ट करते हैं कि मैं ये चीज चाहता हूँ इस गाने जी, में ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है कि हम सारे बैठे रहते हैं जी और someone will say something and someone will, जैसा कि अक्स में था जी अक्स में पहले गाने में there were about 10 writers क्योंकि हम साथ yeah we were sitting down in one room and everybody said something and that became the song so okay. you know that It even happens like that. कुछ yeah. कुछ कुछ गाने ऐसे भी हैं लकी जो खुद बैठ के आपने लिखे हों और जी जैसे कि रात चांदनी like had it for years in my head. रात चांदनी it was in my heart for a long time. So I used to sing that. And then when Aslam came into the picture, he added words to it like you know ऐसा फिर that's how it became. Like most of my songs start off with the words like in the initial parts of it and then the thought is then there to be explored. लकी आप म्यूज़िक में अपना एक मकाम बना चुके हैं लोग आपको बहुत पसंद करते हैं चाहते हैं अब क्या एक्टिंग की तरफ सारी तवज्जो है म्यूजिक नहीं, नहीं, नहीं. A back seat. अभी तक मैं किसी मकाम पर नहीं पहुँचा हूँ देर इज एब्सोल्युटली नो एविडेंस फॉर दैट ऑल्सो आई एम अलाइव स्टिल सो आई थिंक देर इज अ लॉन्ग वे टू गो एंड देर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग मीटिंग गुड पीपल म्यूजिकली थ्रू एक्टिंग स्टफ लाइक दैट And I'm enjoying this. आपकी फिल्म आने वाली है सुर तो उसके बारे में आपको कैसा महसूस हुआ कि यू कैन बी अ गुड एक्टर आप अच्छे एक्टर बन सकते हैं और आगे भी आप एक्टिंग के फील्ड में एज अ एस्टैब्लिश एक्टर के तौर पर जाना चाहेंगे क्या देखिए अगर कुछ ऐसा काम सामने आया जिसे मतलब यू नो योर हार्ट शुड फील राइट आई विल डेफिनेटली डू दैट बट If I had to go out and say, "Gee, bhai, now I'm available for acting," that's not my scene, and that's not what I'm headed for. तो किस तरह के किरदार आप निभाना चाहेंगे acting में? मैं नहीं बता सकता. It's open. Like I could, anything could happen, and I don't have any plans कि अभी मैं ये बनना चाहता हूँ. नहीं ऐसा कुछ नहीं. और ऐसे में ये बताइए कि संगीत में क्या चल रहा है? क्या planning है आगे? कोई नई album आ रही है आपकी? जी, मैं इस वक्त एक album पर मेहनत कर रहा हूँ, जिसका नाम है यक्सुई. यक्सुई का मतलब जरूर पूछेंगे मतलब इन वन डायरेक्शन की मतलब एक पर्पस जी तो अभी तक मतलब द एल्बम इज नॉट रेडी अगले साल शायद इट विल बी रिलीज बट राइट नाउ वी लाइक पास द डेवलपमेंटल स्टेजेस इन इनटू द रिकॉर्डिंग चलिए उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप हमारे स्टूडियो में आए आपकी एल्बम जल्द ही रिलीज हो जाएगी तब तक और कोई एम्बिशन आपकी चाह जो आप पूरा करना चाहते हैं इन योर फ्यूचर आगे जो है दिल में है जी आगे धीरे-धीरे यू नो दिल कम आउट एज आई अंडरस्टैंड इट लेकिन चलते-चलते ये जरूर चाहेंगे कि दर्शकों के लिए आप कुछ गुनगुनाएं वैसे आप सुर से पहले तो हमारे स्टूडियो में जरूर आएंगे क्योंकि आपकी फिल्म भी जल्द ही रिलीज होने वाली है जरूर ये एमएम क्रीम साहब का एक गीत है जिस जो फिल्म सुर में मैंने मतलब गाया मुझे बहुत पसंद आया तो अभी जा ऐ सुबह अभी जा रात को कर विदा दिल रुबा अभी जा बहुत लकी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके